हाय दोस्तों, रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं वेन पोंगल बनाने जा रही हूँ। ये नमकीन पोंगल इसको बोलते हैं और तमिल में इसको वेन पोंगल बोलते हैं। ये देखिए साउथ में बहुत ही फेमस है। साउथ के हर एक मंदिरों में ये प्रसाद के रूप में मिलता है और भगवान को चढ़ जाता है तो ये वेन पोंगल और भी टेस्टी हो जाता है। यहाँ पर एक नंगानल्लूर में भगवान जी है, हनुमान जी है, जो एकदम खड़े हैं, 3 मंजिले तक खड़े हैं। वो 36 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। उनके यहाँ आप दर्शन करने जाएंगे तो ये बराबर कभी दही चावल, कभी नींबू चावल, कभी वेन पोंगल, कभी इमली चावल मिलते ही रहेगा और इतना खा करके आनंद आता है कि बस नहीं होता है। तो देखिए वही वेन पोंगल मैं घर में बना रही हूँ और मैं भी अपने भगवान जी को चढ़ाऊंगी। तो बहुत ही इजी मेथड है, इसको हम कुकर में डाल करके और बना लेते हैं, झटपट बन जाता है। और देखिए जब वेन पोंगल बनाते हैं तो जो चावल है तो मोटा चावल से भी आप बना सकते हैं और पतला चावल से, लेकिन ध्यान रहे अरवा चावल। अरवा चावल मीन्स मतलब पचरसी, उसी में बनाना है और चावल को 1-2 घंटा पहले पानी में भिंगा देना है, तभी ये बहुत अच्छा बनेगा। तो आइए देखिए कैसे बनता है, मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ में मैं बड़ा भी बनाई हूँ, तो बड़ा मैं प्याज डाल करके बनाई हूँ। आपको चाहिए तो बिना प्याज का भी आप बड़ा बना सकते हैं। ये बड़ा इधर बहुत ही फेमस है तमिलनाडु में, तो हर एक दुकानों में, हर एक आप होटलों में जहां भी आप जाएंगे आप मांगेंगे तो सांभर के साथ में भी देंगे, ऐसे चटनी के साथ में भी देते हैं। लेकिन आप सांभर में भी खाएंगे वो भी अच्छा मजा आता है खाने में, और चटनी के साथ खाएंगे वो भी अच्छा लगता है, और पोंगल के साथ आप खाते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो आइए देखिए कैसे बनता है और कितना आसानी से। आपको सोचने में बहुत लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन आप जब बनाने लगेंगे तो एकदम आराम से बन जाएगा और आसान से बन जाएगा। तो आइए देखिए कैसे बनता है। देखिए ये जो मूंग का दाल है ना, इसको थोड़ा सा भूनना है, इसमें घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है। इसी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे हम। अभी देखिए मूंग दाल को मैं भून रही हूँ, बिना भूने भी बना सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही ब्राउन करना है। देखिए ये दाल भून गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इतना काफी है। दोस्तों ध्यान रहे मूंग के दाल में ही पोंगल बनता है, और कोई दाल डालेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, वो पोंगल नहीं बनेगा। देखिए कुकर में मैं बना रही हूँ तो पहले पानी डाल रही हूँ, तो इस गिलास से मैं 4 गिलास पानी डालूंगी। देखिए मैं इसी गिलास से चावल ली हूँ, तो कोई भी आप बर्तन से ले लीजिए, कटोरी से या गिलास से। तो ध्यान रहे ये गिलास से मैं 1 गिलास और 1/4 इतना सा चावल ली हूँ, तो इसमें मैं 4 गिलास 5 गिलास पानी डाल सकते हैं। मैं 4 गिलास डाली हूँ, ये गीला भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, 5 गिलास भी इसमें डाल सकते हैं, अच्छा ही होगा। और फिर और मैं बताती हूँ, ये चावल को मैं 1 घंटे पानी में भिगा दी हूँ। देखिए जो पोंगल बनाते हैं इसमें पतला मोटा चावल कोई भी चलेगा, मोटा चावल भी है तो बनाइए, उसका भी अच्छा बनेगा और पतले चावल का भी अच्छा बनेगा, लेकिन कच्चा चावल होना चाहिए। इसको देखिए हिंदी में अरवा चावल बोलते हैं और तमिल में इसको पचरसी बोलते हैं। तो ये 1 गिलास पानी में डालकर भिंगाई थी, उसी के साथ में मैं इसमें डाल दूंगी कुकर में। अभी सारा चीज मैं इसमें मिलाऊंगी, भुना हुआ दाल, ये 2 बड़ा चम्मच काली मिर्च है इसको भी डालेंगे, और ये जीरा है, ये ज्यादा मैं ली हूं लेकिन मैं अंदाज से 2 बड़ा चम्मच डालूंगी, जीरा थोड़ा ज्यादा ही रहना है इसमें। ये अदरक है, उसको मैं सारे अदरक को कट कर दी हूं। देखिए अब इसको भी इसी में मिला देंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे।
ध्यान रहे दोस्तों, आप जितना नमक कम या ज्यादा खाते हैं उसी के अनुसार डालिएगा, और इसमें घी डालना बहुत ही जरूरी है। तो मैं 100 ग्राम घी इसमें अंदाज से डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह चला दूंगी, सारा मिक्स हो जाना चाहिए, और फिर कुकर को बंद कर देंगे। बंद करके इसको 3 विसिल लगाएंगे। अभी देखिए कुकर का विसिल में से थोड़ा भी नहीं आ रहा है, भाप निकल गया है, तो तब इसको खोलेंगे हम। अभी देखिए बन गया है, इसको अच्छी तरह मिलाना है। देखिए मैं इसमें हल्दी नहीं डाली हूँ। अभी जब मैं घी में फ्राई करूंगी ना, इसमें छौंक लगाऊंगी, उसमें थोड़ा सा हल्दी मैं डालूंगी। अभी देखिए ये थोड़ा सूखा हो गया है, अगर आपको सूखा पसंद है तो इसी तरह छौंक खा सकते हैं। और असली पोंगल थोड़ा गीला ही रहता है, जो मंदिर में प्रसाद मिलता है ना वो गीला रहता है। मैं ऊपर से देखिए और पानी मिला रही हूँ इसमें, और मैं पानी मिला करके इसको अच्छी तरह चला करके और फिर गैस पर रखूंगी, थोड़ा उबालूंगी। अभी मैं पोंगल में छौंक लगाऊंगी, इसके लिए घी डाल रही हूँ। देखिए अभी 150 ग्राम मैं घी डालूंगी। अभी घी गरम हो गया, मैं इसमें 2 चम्मच जीरा डालूंगी, और ये जो लाल मिर्चा है इसको तोड़ करके 2 टुकड़ा करके डालना है, 2 बड़ा चम्मच सरसों, और थोड़ा सा हींग डालना है स्वाद के लिए थोड़ा सा, और ये जो काजू था उसको देखिए मैं तोड़ दी हूँ, उसको भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी और करी पत्ता, ये सारे चीज डाल करके फ्राई करना है। देखिए जब ये फ्राई होगा तो उड़ेगा, तो स्लो करके और थोड़ा साइड में हो जाइएगा। अभी देखिए ब्राउन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया। मैं इसी में पोंगल मिलाऊंगी, इसको आराम से उठाना है। अच्छी तरह मिलाना है। अभी देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। ध्यान रहे ज्यादा नहीं हल्दी डालिएगा, थोड़ा ही हल्दी डालना है। थोड़ा हल्दी इसलिए डाले हैं कि एंटीबायोटिक भी है और पोंगल का कलर भी आएगा। देखिए रेडी हो गया। अभी ये देखिए पिसा हुआ उड़द के दाल में ये जो प्याज है मैं इसमें डालूंगी। ये 3 प्याज है बड़ा, तो इसमें अंदाज से देखेंगे कितना डाल सकते हैं, तो मैं आधा ही डाल रही हूँ। आप 2 बड़ा प्याज कट कर लीजिए और डाल दीजिए। और इसमें देखिए कड़ी पत्ता को मैं बारीक कट कर ली हूँ, और ये जो हरा मिर्चा है इसको भी बारीक कट की हूँ। और आपको चाहिए तो ये जो ये राइस का फ्लोर है ना वो डाल सकते हैं, और नहीं चाहिए तो अगर आपको पसंद नहीं है तो इसके डाले बिना भी बन सकता है, लेकिन कुरकुरा नहीं होगा। और ये जो चावल का आटा है डालने से थोड़ा कुरकुरा भी होगा और तेल भी कम सोखता है, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ये 4-5 चम्मच डाल दिए। अब स्वादानुसार नमक उसमें मैं डालूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा, आप कम खाते हैं ज्यादा खाते हैं उसी अनुसार। और मैं इसमें थोड़ा सा केसरी पाउडर डालूंगी, आपके पास अगर केसरी पाउडर है तो डालिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो उसके बदले में थोड़ा सा हल्दी आप डाल सकते हैं। ये देखिए 1/4 चम्मच
केसरी पाउडर है तो इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों अब मैं इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी। ये मद्रासी बड़ा है, ये मद्रास में ही मिलता है, ज्यादातर आंध्रा वगैरह सब जगह मिलता है, फिर भी ये मद्रासी बड़ा है, बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों ये भिंगाया हुआ दाल को मैं मिक्सी या ग्राइंडर में पीसी हूँ। आप मिक्सी या ग्राइंडर कोई भी चीज में पीस करके बना सकते हैं। वो जो उड़द का पाउडर आता है ना, उससे अच्छा सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसीलिए दाल को भिंगा कर और पीस करके ही उसमें बनाना है। देखिए सारा मिक्स हो गया। अभी देखिए बड़ा छानने के लिए मैं कढ़ाई को गैस पर रख दी हूँ और मैं इसमें आधा लीटर अभी तेल डालूंगी। थोड़ा मैं तेल ज्यादा ही डाल रही हूँ ताकि बड़ा जल्दी निकल जाए। आपके पास अगर कम ही तेल है तो आप सोचें कैसे बनाऊं, तो कम ही तेल में दो दो बड़ा ही निकाल लीजिए, बना लीजिए। और ज्यादा तेल है तो जल्दी बन जाएगा और अच्छा से उसमें तो तल भी जाएगा। अभी देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें मैं बड़ा डालूंगी। सबसे पहले एक बड़ा मैं डालूंगी क्योंकि जो भी मैं बनाती हूँ तो पहले स्टार्टिंग में एक बना करके और उस चीज को मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ। तो कभी भी आप कुछ बनाइए तो फर्स्ट वाला गाय को दे दीजिए और लास्ट वाला एक कुत्ते को डाल दीजिए। तो ये हमारे में अच्छा मानते हैं, ये शास्त्र के अनुसार मानते हैं कि गाय में बहुत देवता है, इसलिए उनको भोजन देना चाहिए। तो कोई भी चीज आप अगर बनाते हैं तो एक निकाल दीजिए। देखिए तेल गरम हो गया है, कितना आसानी से ऊपर आ रहा है। देखिए मैं तेल इसीलिए ज्यादा डाली हूँ ताकि ये अपने आप ऊपर तैरने की तरह बने। अगर आपके पास तेल कम है तो आप एडजस्ट करके बना लीजिए। अभी देखिए मैं डाल, हाथ में इस तरह से ले लेना है और ये अंगूठे से इस तरह थोड़ा सा गैप कर दीजिए तो गोल और होल हो जाएगा इसमें, और इस तरह धीरे से तेल में छोड़ दीजिए। अगर आपको एक बार में नहीं बनता है तो एक बार दो बार ट्राई कर लीजिए। अभी मैं गैस को स्लो कर दूंगी क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया है। दोस्तों बड़ा बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप घबराइए नहीं, आराम से डालिएगा। अभी मैं इसको पलट रही हूँ। देखिए ये जो किनारे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ेगा और जो बीच में है वो अच्छा से हो रहा है, तल रहा है, और जो किनारे है थोड़ा सटेगा, पहली बार में सटेगा, दोबारा वो नहीं सटेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी देखिए कहीं भी आप जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं या घर में कोई फेस्टिवल है तो ये आइटम अभी आप बना सकते हैं। अभी लॉकडाउन है, आपको होटल भी नहीं जाना है, तो अगर आपको मन किया बर्थडे में या कोई भी आपका मैरिज डे है तो उसमें आप बना लीजिए, ये अच्छी तरह से बन जाएगा। ये मैं पहली बार सरवना भवन में खाई थी तो मुझे बहुत पसंद लगा, तो मैं वहाँ से पूछ करके आई थी कि किस तरह बनाते हैं, फिर आ करके मैंने घर में ट्राई किया तो बहुत अच्छा बना और सेम टेस्ट आया। देखिए दोस्तों ये बड़ा बन गया है, तो इसमें डालने के टाइम में भी तेल में ये बड़ा आसानी से ध्यान से डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर तेल का छींटा हमारे ऊपर पड़ गया तो बहुत ही दर्द करता है और सारा मुंह माया छूट जाता है, फिर बनाना भी बंद कर देते हैं कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम ध्यान से बनाएंगे तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको मैं पहले छनौटे में इस तरह से उठा करके और इसमें मैं रख रही हूँ, इसलिए कि इसमें सारा तेल निकल जाएगा।
अगर आपको इसी से निकाल सकते हैं इससे तो निकालिए, अगर आपको सावधानी बरतनी है तो आप एक एक दो दो पीस करके साइड में इस तरह से करने के बाद में इसमें डाल दीजिए। देखिए अभी फिसला ना, गिरा ना, तो इस तरह से तेल पड़ सकता है। अब इसको मैं इस तरह से करके और किनारे थोड़ी देर रखूंगी ताकि ये सारा तेल निकल जाएगा। अभी देखिए इसमें बिल्कुल तेल नहीं है, हमने इसको निकाल दी। अभी मैं दोबारा इसी से निकाल लूंगी क्योंकि मेरे को बनाने की हैबिट है तो मैं डरती नहीं हूँ। अगर आप पहली बार बनाते होंगे तो ध्यान से देखिए इसमें से तेल निकल रहा है, तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से किनारे सटा करके थोड़ी देर रखेंगे, एक से दो मिनट। देखिए दोस्तों इसको बार बार पलटना है ताकि दोनों तरफ से अच्छा से पक जाए। देखिए दोस्तों मैं दोबारा निकाल रही हूँ, अब देखिए पहली वाले में से सब उड़ रहा है, हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड सब सारा निकाल निकाल के भाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत टेस्टी है, शायद ये हमको वीडियो नहीं लेने देंगे। अभी देखिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, आप भी बनाइएगा कि इतना टेस्टी है। अभी देखिए मैं परोस रही हूँ, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको सांभर के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और अगर सांभर चटनी नहीं बनाए हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए पोंगल और बड़ा दोनों रेडी हो गया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए और बनाइए। अगर आपको बच जाता है तो आप ओवन में गर्म कर लीजिए, नहीं तो ठंडा भी हो जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी तरह आप बनाइए, खाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने सगे संबंधी दोस्त मित्र जिसको भी भेजना है एकदम फटाफट शेयर कर दीजिए, और आप कमेंट में लिखिए बना करके कि आपको कैसे लगा। फिर मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में नए व्यंजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।